रक्षा हमारे हिंदुस्तान की। आओ लोगो तुम्हें सुनाए कहानी वीर जवानों की, कैसे करते हैं सुरक्षा हमारे हिंदुस्तान की। साहिबान कदरदान मेहरबान, हिंदू सिख ईसाई हो या मुसलमान, साहिबान कदरदान मेहरबान, हिंदू सिख ईसाई हो मुसलमान, सबको मेरा प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं नक्षत्र की। क्या होता है नक्षत्र? नक्षत्र मतलब स्टार सितारे, लेकिन हमारे असली स्टार कौन है? अमिताभ बच्चन? नहीं नहीं, विराट कोहली? नहीं नहीं, सल्लू भाई, भाई भाई। जी हाँ, हम सब यही समझते हैं कि फिल्मी पर्दों पर दस दस लोगों की पिटाई करने वाले और छह बॉल में छह सिक्स लगाने वाले हमारे असली सुपरस्टार हैं। पर नहीं, दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन हमारी बात माँ की रक्षा करने वाले वो हमारे वीर सोल्जर, वो हमारे सिपाही, हमारे असली स्टार है। क्या क्या आप लोग को याद है आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, सॉल्यूशन का पता चला तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं। मैं जवान बनना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ। क्यों बनना चाहता हूँ जवान? क्यों छोड़ोगे अपने घर को? क्यों जान देना चाहते हो अपने देश के लिए? क्यों क्यों? अपनी सुरक्षा तो और कोई चाहता है, लेकिन अपनी जान खतरे में डालना कोई नहीं चाहता। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे। अबे क्या बोला मेरी भारत माँ के बारे में? क्यों खून जलाना? हमारा भी खून जला था जब जेएनयू में हमारे देश के कुछ छात्र आतंकवादियों के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और भारत माँ को तोड़ने की बात कर रहे थे। दोस्तों आज हमारी युवा पीढ़ी में देशभक्ति का जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है नीचे। आज देश का हर एक युवक तुम और मैं भी इंजीनियर डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, तो फिर मेरी भारत माँ की रक्षा करेगा कौन? यही समझाने के लिए मैं नाटक लेके आया जिसका नाम है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी, क्या आप लोग जानते हैं हमारी भारतीय सेना हमारे क्या क्या करती है? क्या करती है? भारतीय की जान ही तो देती है बस। आप सबके दिमाग में यही चलता होगा, यही गलत फहमी को दूर करना चाहते हैं हम। चलो हम आपको बता दें कि हमारे लिए हमारी इंडियन आर्मी क्या क्या करती है। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। हम फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। नमस्कार, दूरदर्शन में आपका स्वागत है। अभी अभी सूत्रों से खबर मिली के भुज में भूकंपानी की वजह से बहुत सारी मंजिलें ढेर हो गई है, जिसकी वजह से 20 घायल, 4 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। आर्मी का ऑपरेशन अभी भी जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे कुछ ही देर में। देखो देखो कोई बच्चा कुओं में गिर गया है। कहाँ गिर गया? कहाँ गिर गया? वहाँ कुओं में गिर गया है, बचाओ बचाओ। अरे बाबा हमसे ना हो पाए,
हम फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। हम फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। चाहे मुसीबत बड़ी या छोटी, हमेशा हार में ही क्यों बुलाई जाती है, जबकि वहाँ पर इतने सारे लोग होते हैं, मदद के लिए क्यों कोई आगे नहीं आता? क्यों क्यों क्यों? हम सब बोलते तो है मेरा मुल्क मेरा देश, लेकिन जब इस देश के लिए कुछ करने की बात आती है तब कोई कुछ करने नहीं चाहता। क्यों क्यों क्यों? क्या इस देश की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे जवानों की है, हमारी कुछ नहीं? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दे कि हमारी ये जवान अपने परिवार से कितने दिन दूर रहते हैं, उनके ये दूर रहने पर उनके बूढ़े माँ बाप पर क्या बीतती होगी, उनकी बीवी और बच्चे कैसे जीते होंगे, आया हम आपको यह भी बताते हैं। बच्चे कैसे जीते होंगे, आया हम आपको यह भी बताते हैं। सेव सेव सेव, कितने दिन हुए मुझे मेरे बेटे से मिले हुए। मैंने सोचा था कि मेरी इस उम्र में मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, वो मेरा सहारा बनेगा, पर मुझे गर्व है कि मेरा बेटा इंडियन आर्मी में है। आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन मेरे पापा आज मेरे साथ नहीं है। मैं सभी दोस्तों का उनके जन्मदिन पर उनके पिता उनके साथ ही रहते। अश्क ना हो माना कल से होंगे हम दूर नैना, अश्क ना हो नैना अश्क ना हो। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक परिवार की कहानी है, इतने बड़े कई परिवार होंगे मेरे देश में। सैनिक सीमा पर रह के हमारी रक्षा करते हैं, उनके जाने के बाद उनके परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाना हमारी जिम्मेदारी है। तुम लोग परिवार के साथ यहाँ चैन से जियो, इसलिए ही हम लोग रोज बॉर्डर पर मरते हैं। हमारा तिरंगा इसलिए नहीं लहराता कि वहाँ हवा चल रही होती, बल्कि हमारे जवानों की आखिरी सांसें चल रही होती जो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। जन्म लिया जिस देश में मैंने, दिल से उसको नमन हो, कोई से बस इतनी मुझको, मरते वक्त तिरंगा मेरा कफन हो। सर पे कफन बांध के निकलते हैं हम, न एहसास है खुशी का ना है गम, अगर तिरंगा लहरा ना सके तो तिरंगे में लिपट के आते हैं हम। क्यों बेकार के अश्क बहाएगा दोस्त, जब दिल किसी के हाथ टूट जाएगा, वतन से मोहब्बत करके देख तू अपनी मौत पे भी मुस्कुराएगा। कस जिंदगी में सरस की कोई समय, कस मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम है, लखो पे मौत करना आज जो जिंदगी की, जब जिक्रा सोचो को कस मेरा भी नाम है। जहाँ मैं और तू हिंदू और मुसलमान की लड़ाई में लड़ जाता है, वहीं कुछ लोग हमारे खातिर अपनी जान कुर्बान कर जाते हैं। अब ये जिसका खून न खोला खून ना ही पानी है, जो वतन के काम ना आए बेकार जवानी है। है मेरे देश के नौजवानों, अब तक मर के देखा बेवफा सनम के लिए, दुपट्टा न मिला अपने कफन के लिए, एक बार शहीद होकर देखो मेरे वतन के लिए, तिरंगा मिलेगा अपने कफन के लिए। जय हिंद। गिव रिस्पेक्ट टू आवर इंडियन आर्मी